चलिए डीएफए पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि गेट एग्जाम पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन मेरा आया था गेट 2001 में, जिसकी मार्किंग है 2 मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंसिडर अ डीएफए ओवर सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स विच हैव नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाई 6 एंड नंबर ऑफ बीज डिविजिबल बाई 8। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट द डीएफए विल हैव। यहां पे मुझे नंबर ऑफ मिनिमम स्टेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और ये मेरे पास 4 ऑप्शंस है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाई 6 एंड नंबर ऑफ बीज डिविजिबल बाई 8। इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ अगर याद आ जाए, जो कि मैंने पुराने वीडियोस में बताया था आपको, वहां पर मैंने आपको बताया था डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 3। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिए। अगर आप उस वीडियो को चेक कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएगा, भले ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है लेकिन तुरंत बन जाएगा। तो आप उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाई 6, जब भी डिविजिबल बाई 2 या डिविजिबल बाई 3 या डिविजिबल बाई 5 कुछ भी हमारे पास ऐसा टर्म्स दिया होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आप इसको ले लीजिए 6 को n1 और जो दूसरी वैल्यू है उसको ले लीजिए आप n2, सिंपल। और मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया था n इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाई n2, सिंपल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, n1 की वैल्यू क्या है 6, तो यहां पे आप 6 ले लीजिए मल्टीप्लाई बाई n2 क्या है 8, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 48, सिंपल, 1 मिनट में आ गया। अगर आपको फिर भी ये ट्रिक याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको दूसरा ट्रिक बता दूं। मेरे पास जो पहला टर्म है 6 का, 6 के लिए अगर हम बात करें तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते, यही हो सकते हैं। देन मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 8 से। 8 की अगर हम बात करें तो यहां पे पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। यहां पर 0 से लेकर 5 तक टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज 6। यहां पे 0 से लेकर 7 तक कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ गया 8। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया मेरा 48, सिंपल, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन से जाएं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट द डीएफए विल हैव, यहां पे देखिए फर्स्ट इज 8, सेकंड इज 14, थर्ड इज 15 एंड डी इज 48। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 48। और ये क्वेश्चन मेरा आया था 2 मार्क्स में। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, ये क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स में, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बस जो दिया है इसको मैं पुराने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए। तो ये तो पूछा था गेट 2001 में, इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा है गेट 2007 में, बिल्कुल सेम टू सेम। वहां पे मेरे पास एक वैल्यू था 3 और दूसरी वैल्यू थी 5, दोनों को हम मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाएगा, 15, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डीएफए के कुछ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन गेट एग्जाम आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।